हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे, आशा करती हूँ। और आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आ गई हूँ। तो यहाँ की मैं कैसे क्लीन करती थी, यहाँ की क्लीनिंग कैसे करती थी, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी गंदगी हो चुकी है। यहाँ पर हम लोग सोए हुए थे और जितने भी पूजा में लगे थे सामग्री, वो सारे बिखरे पड़े थे। उन सब की कैसे क्लीन करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें आज बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ पे जितने भी आसन लगे हुए थे ना, उन सभी आसन को मैंने फोल्ड करके अच्छे से अच्छे साफ़ सुथरे जगह पे अभी रख दी हूँ। आप देख सकते होंगे कि गद्दे समेटे हुए हैं, और जो हम लोग सोए हुए थे उन गद्दों को भी अच्छे से समेट के अंदर में रख दिए हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए, जितने भी फूल बेलपत्र थे उन सभी को उठा करके एक बोरी में करके मैं रखी हूँ। और ये यहाँ पे चावल हाथ से नहीं उठता, बहुत ज़्यादा गिर गया था, पूजा में लग जाता है तो इधर उधर गिर ही जाता है। तो वो सारे को साफ़ करने के लिए मैं यहाँ पे एक कपड़े का यूज़ कर रही हूँ। और ये भी बता दूँ कि कौन से कपड़े यूज़ करना है। जब भी आप पूजा पाठ में क्लीनिंग करने के लिए कोई भी कपड़ा यूज़ करते हैं, तो आप छोटे बच्चे के पुराने कपड़े धोए हुए जो हैं उन्हीं का यूज़ करें, और कोई दूसरे कपड़े का यूज़ नहीं करें, ये ज़्यादा शुभ होता है। तो मैं यहाँ पे अपनी बेटी की फ्रॉक थी जिसका मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, उसी से सारे यहाँ पे झाड़ रही हूँ। जब भी आप कभी भी पूजा में हम पाठ में बैठे हों, 7 दिन के या फिर 9 दिन के पाठ में, तो वहाँ पे कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू की जगह आप कपड़े का इस्तेमाल कीजिए। और ऐसे भी जहाँ पे आपके घर में अगर नीचे ज़मीन पे पूजा की स्थान रखी गई है, तो वहाँ कभी भी झाड़ू नहीं लगाया जाता है, हमेशा कपड़े से साफ़ किया जाता है, या फिर आप पानी से भिगो के कपड़े से पोंछ सकते हैं। इससे क्या होती है ना कि आपके घर में दरिद्रता नहीं आती है, और जो आप जिस काम में लगे हैं, जिस काम की इच्छा से ये पूजा कर रही हैं, वो भी बहुत अच्छे से संपन्न होती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं एकदम से अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, सारे चावल को इकट्ठा कर रही हूँ। और इन चावलों पे भी पैर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी पूजा की सामग्री होती है उनको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ना ही उनमें पैर पड़ना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जितनी भी चीज़ें पहले दिन के थे वो सारे बासी हो जाते हैं, और वो सारे को मैं उठा के अलग कर लेती हूँ। तो अभी मैं इन चावलों को इकट्ठा कर ली हूँ, और ये बर्तन है पीतल की, इसी में मैं उठा करके फिर बोरी में रख दूंगी। और यहाँ पे जितने भी पूजा की सामान थी ना, जैसे कि प्लेट, प्रसादी वितरण करने की, आरती की, उन सारी प्लेटों को, सारी बर्तनों को इकट्ठा करके मैं दे दी हूँ, ताकि वो बाहर में धुल जाए। मुझे अभी 7 दिन तक सर्फ़ ये सब नहीं छूना होता है, तो इसलिए मैं नहीं धुल रही हूँ, उसको उठा के दे दी हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, जब भी आप पूजा की जगह पे साफ़ करें, तो सबसे पहले आप ब्रश जरूर कर लें। बिना ब्रश के कभी भी साफ़ नहीं करें, इससे भी बहुत ही बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ब्रश करके ही आई थी, फ्रेश होकर के आई थी, नहाई नहीं हूँ, क्योंकि नहाने के बाद जस्ट मैं पूजा में बैठूँगी, ये सारी चीज़ें नहीं करूँगी, इस वजह से मैं यहाँ पे साफ़ सुथरा कर रही हूँ। अगर आपको पॉसिबल है तो आप नहा करके भी साफ़ कर सकते हैं, फिर से अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नहा के नहीं साफ़ कर रही हूँ, ब्रश करके आई हूँ, पैर धो के आई हूँ, और यहाँ पर सफाई में लगी हुई हूँ। आप देख सकते होंगे पीछे, आप जो कलश के पीछे दिख रहा होगा, तो वहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं सारे, वो दिया जाएगा अभी वहाँ पे धुलने के लिए। और यहाँ पे एक येलो कलर की बोरी भी दिख रही है, इसी बोरी में मैं जितना भी होगा वेस्टेज राख या फिर फूल बेलपत्र जो कि पूजा में यूज हो चुके हैं, उन सभी को एक ही में भर के रखते जाऊँगी। और साथ जब पूरा हो जाएगा ये पूरा उद्यापन के दिन, उसके दूसरे दिन ही इसे नदी में बहाया जाएगा। कभी भी इसको इधर उधर नहीं फेंके, या तो बहा दीजिए, या तो फिर आप इसके खाद बना सकते हैं जो कि आप पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे पानी से भिंगा के पोंछ दिया है, और ये अब पूरा क्लीन हो गया है। गद्दे भी डाल दी हूँ मैं जो बैठने वाले हैं, बस इसके ऊपर चादर बिछाना है, जब मैं पूजा में बैठूँगी तब मैं बिछा दूँगी। व्यास गद्दी भी मैंने अच्छे से झाड़ के साफ़ कर दिया है, पूरा क्लीन हो चुका है। और इस तरह से पूजा की जगह पर साफ़ सफाई रखनी चाहिए।